गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने कल पढ़े थे, जो फर्स्ट चैप्टर कामना जो है कविता, उसी का ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, आप अपनी, मैं आशा रखती हूँ जो आप अपना घर पे ये पोएम अच्छे से रीड और लर्न किया और उसका मीनिंग भी समझे हो, और उसके साथ आपका होमवर्क भी दिया था कठिन शब्द। आज हम उसकी कठिन शब्द की अर्थ हम बोलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले कठिन शब्द की अर्थ बताते हैं। देव मीन्स भगवान, सुखकारी सुख देने वाला, दृश्य देखने की वस्तु, शांतिमय शांति देने वाली, सर्वदा सदा या हमेशा, कर्म कार्य कर हाथ, उत्तम अच्छे, मान इज्जत, भागी हिस्सेदारी, हित भलाई, साधने मीन्स करने, सद्भावना अच्छी भावना, आपदा मुश्किल। और उसके बाद क्या है, विश्वेश विश्व का शामी, द्वेष बैर या दुश्मनी, परस्पर मतलब आपस में, क्लेश रंज या दुख, कामना इच्छा, निज अपनी, शरण पनाह। ये जो आपका जो कठिन शब्द की जो अर्थ है ये अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, अभी शुरू करते क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें अपने कानों आँखों और हाथों से क्या क्या करना चाहिए। पिछले कविता में अपने सब पढ़ाए होंगे जे अपने कानों से कैसा बात सुननी चाहिए, आँखों से कैसा दृश्य देखना चाहिए, तो यह हाथ से कैसा काम करना चाहिए। तो इसमें आप लिखोगे जे हमें अपने कानों से हमेशा सुखकारी शब्द सुनना चाहिए, आँखों से शांतिमय दृश्य देखना चाहिए और हाथों से उत्तम कार्य करना चाहिए जो हमें मान दे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा सद्भावना या अच्छी भावना होनी चाहिए। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ना प्रस्तुत कविता में बच्चे भगवान से या प्रभु से कुछ भी बोल सकते हो, सदा अच्छे काम करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करोगे। मैंने बुक में लिख दिया, आप भी पहले बुक में लिखोगे, उसके बाद इसी को नोटबुक में भी लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। अभी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, दृश्य देखने जो डैश शांतिमय हो सर्वदा, कैसे दृश्य देखना चाहिए, दृश्य किससे देखें, देख कानों से देखते हैं, हाथों से या नयन से, मतलब नयन से, दृश्य देखे जो नयन से शांतिमय हो सर्वदा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देश का हित साधने में पूर्ण ही डैश बने, कैसे क्या बने, त्यागी लालची या शक्तिशाली, नहीं त्यागी, त्यागी बनना चाहिए। तो हम देश का हित साधने में पूर्ण ही त्यागी बने। ओके, नाउ नेक्स्ट, हो रोग शोक नहीं कहीं पर डैश हो सब आपदा, क्या होगा, नष्ट शुरू या दोनों, नष्ट हो रोग शोक नहीं कहीं पर, नष्ट हो सब आपदा, ये सारे पीछे वाली कविता की लाइंस हैं। हम डैश तेरे है प्रभु निज शरण में रख लीजिए, क्या होगा इसमें, बच्चे पुत्र या पुत्री, क्या होगा, हम पुत्र तेरे है प्रभु निज शरण में रख लीजिए। ओके, ये आप इसी बुक में टिक करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। इसमें आधा अधूरा लाइन दिया है, इसी को पूरा करना है पीछे एक कविता को देख के। पहला क्या है, हे देव, उसके बाद क्या है, कानों से सुने हम, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कानों से सुने हम, कानों से सुने हम, उसके बाद क्या है, सब सुखकारी सदा, मैंने एक पंक्ति आपको लिए मैंने कर रही हूँ, क्या है, सब सुखकारी
सब सुखकारी। सुखकारी उसके बाद क्या है सदा। ये जो लाइन है ये सारे आपकी पीछे वाला कविता में देख के पूरा करना है, तो मैं आपको लिए एक कर दी हूँ। नेक्स्ट वाला आप खुद ये वाला सेल्फ करोगे, यहाँ से आप सेल्फ करोगे, मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। उसके बाद क्या लिखना है दृश्य। दृश्य में क्या लिखा है दृश्य देखे जो नयन से, मतलब यहाँ से आपको लिखना है देखे जो नयन से। उसकी वाली लाइन, उसके बाद वाली लाइन शांतिमय हो सर्वदा, यहाँ पे लिखना है शांतिमय हो, फिर लिखोगे सर्वदा। ओके, फिर उसके बाद बस कामना क्या करना चाहिए, बस कामना है ये हमारी, तो यहाँ पे लिखोगे है ये हमारी। उसके बाद है पूर्ण इसको कीजिए, तो आप लिखोगे पूर्ण इसको, फिर तो कीजिए लिखा हुआ है। हम पुत्र डैश क्या लिखा है, हम पुत्र के बाद तेरे है प्रभु, तो आप यहाँ पे लिखोगे तेरे है प्रभु, डैश लीजिए, तो डैश में क्या आएगा निज शरण, तो ये आप लिखोगे निज शरण रख, इतना तक आपको लिखना है निज शरण में रख, इतना तक आपको पूरा लिखना है निज शरण में रख लीजिए। तो आपको समझ में आ गया, तो ये सारे आप अपनी इसी बुक के अंदर पीछे वाला कविता को लाइन्स पढ़ के देख के इसमें पूरा करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4 से ही मिलन करो, इसमें से इसको आपको मिलन करना है। सुखकारी मतलब सुख देने वाला, दृश्य मतलब क्या है देखने की वस्तु, तो दृश्य के साथ मैंने इसको मिलन किया। शांतिमय, शांतिमय मतलब मीन्स जो शांति देते हैं, तो शांति देने वाली। सद्भावना मतलब अच्छी भावना, तो ये इसमें। विश्वेश, विश्वेश होते विश्व के पिता, मतलब जो विश्व के स्वामी होता है भगवान जो, तो ये हो गया आपका इसके साथ मैच। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाक्य बनाओ, इसमें 3 वर्ड दिया है उसी से आपको यूज़ करके आपको वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे मान, बड़ों का मान सम्मान करो, हो गया। नेक्स्ट है उत्तम, पढ़ लिख कर उत्तम बनो, हो गया। नष्ट, पेड़ों का नष्ट होने से बचाओ, ये तो मेरे हिसाब से मैंने लिख दिया, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, तो आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हो इसी को यूज़ में लेते हुए, और वो इसी में करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है भाषागण में, फर्स्ट में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, इसमें सारे अशुद्ध वाक्य हैं, आप इसको शुद्ध करके लिखना है। क्या है अशुद्ध में क्या है, हम तेरी शरण में आया है, तो शुद्ध क्या होगा हम तेरी शरण में आए हैं, यहाँ पे जो आया है ना इसमें एकर की मात्रा लगेगा, आए हैं, हो गया। नेक्स्ट है अपनी अपनी कानों से ठीक सुनो, तो ये है अशुद्ध, तो शुद्ध क्या होगा अपने, यहाँ पे नी है तो ने होगा, अपने कानों से ठीक सुनो। नेक्स्ट क्या है अपने आँखों से देखो, तो क्या होगा अपनी, यहाँ पे ने है तो आप यहाँ पे अपनी आँखों से देखो। नेक्स्ट क्या है मेरी देश का नाम भारत है, इसमें क्या होगा मेरे देश का नाम भारत है, तो मेरे यहाँ पे ई है, ई की मात्रा, तो यहाँ पे ए की मात्रा आएगा, मेरे देश का नाम भारत है। ओके, नाउ नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द लिखो, इसी जो शब्द है इसी का ही दूसरा अर्थ होता है, उसी को सेम अर्थ जो होता है ना उसी को लिखना है। नयन को हम क्या बोलते हैं, आँख भी बोल सकते हैं, लोचन भी बोल सकते हैं। कर मीन्स हाथ भी होता है, हस्त भी होता है। मन चित्त भी होता है और अंतकरण भी होता है, तो ये सारे इसी नोटबुक के अंदर आप करोगे। और नेक्स्ट है मौखिक, जो आपको सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं करना है, जैसे क्या है सुखकारी, शांतिमय, सर्वदा, सद्भावना, विश्वेश, क्लेश, प्रभु और शरण, ये आपको रीड करना है वो भी लाउडली। ओके, नाउ जो नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन जो है ना, इसी को भी आपको मौखिक ही करना है, किसी में लिखना नहीं है। क्या है प्रश्न के उत्तर, प्रस्तुत कविता में कैसे शब्द सुनने की कामना की है, कैसे शब्द सुखकारी है ना, पर कविता में क्या है देखो सुखकारी शब्द, तो आप इसमें बोलोगे सर सुखकारी, तो इच्छा कैसे की है प्रस्तुत कविता में सुखकारी शब्द सुनने की कामना की गई है। मन में कैसी सद्भावना होना चाहिए, मन में क्या अच्छी, तो मन में आप क्या लिखोगे सद्भावना, मन में रहे सद्भावना, मतलब कैसे सद्भावना जी, हमेशा हमको अच्छा काम करना चाहिए ये सद्भावना होना चाहिए। हम किसके पुत्र हैं, हम
प्रभु के पुत्र हैं, मतलब विश्वेश के पुत्र है, मतलब भगवान जी के पुत्र है, तो हम भगवान के पुत्र है। ये सिर्फ आप अपनी सिर्फ रीड करोगे, किसी में लिखने का जरूरत नहीं है। बाकी जो कठिन शब्द, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, ये अपनी नोटबुक में लिखोगे। और नंबर 2, 3, 4 और ये वाक्य बनाओ। भाषा ज्ञान मतलब यहाँ तक आप इसी नोटबुक के, इसी बुक के अंदर करोगे, वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में, नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।